नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। देश में नवाबों का दौर जरूर खत्म हो गया है, लेकिन नवाबों की दौलत का अपार भंडार आज भी मौजूद है। एक ऐसी ही रियासत के मालिक हैं नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां, जिन्हें कांग्रेस ने यूपी चुनाव में रामपुर से अपना प्रत्याशी बनाया है। काजिम अली रामपुर के ही रहने वाले हैं, जिनके पास करीब 300 करोड़ की संपत्ति है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि 300 करोड़ की संपत्ति वाले नवाब साहब पर 73 लाख का कर्ज भी है। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी जनता को दी है। रामपुर की सियासत में नवाब खानदान का दबदबा काफी लंबे वक्त तक रहा है। पहले नवाब जुल्फिकार अली खान, फिर उनकी पत्नी बेगम नूर बानो, अब उनके बेटे और पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां भी लगातार 5 बार विधायक बने। एक बार तो उन्होंने विधायक बनने के 11 दिन बाद ही इस्तीफा दे दिया था। नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां कांग्रेस के टिकट पर एक बार फिर रामपुर सीट से चुनावी मैदान में हैं। नवाब काजिम अली खान 5 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। नवेद मियां पहली बार 1996 में कांग्रेस के टिकट पर बिलासपुर सीट से विधायक बने थे। इसके बाद 2002 में कांग्रेस के टिकट पर स्वार सीट से विधायक बने, लेकिन साल 2003 में कांग्रेस छोड़ बसपा में शामिल हो गए और मायावती की सरकार में मंत्री बन गए। हालांकि उसी साल बसपा की सरकार गिर गई और सपा सत्ता में आ गई, जिसके बाद नवेद मियां सपा में शामिल हो गए और 2007 में विधानसभा चुनाव हुए तो नवेद मियां ने स्वार से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। लेकिन तब प्रदेश में बसपा की सरकार बन गई। इस पर नवेद मियां ने विधायक चुने जाने के 11 दिन बाद ही सपा से इस्तीफा दे दिया। फिर वो बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत गए। साल 2012 में भी स्वार सीट से ही विधायक चुने गए, लेकिन 2017 के चुनाव में नवेद मियां हार गए। उनके सामने सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान चुनाव जीत गए। नवेद मियां ने चुनाव आयोग को लगभग 300 करोड़ की संपत्ति का ब्यौरा दिया है। चल संपत्ति तो उनके पास कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अचल संपत्ति अकूत है। 25 जनवरी को रामपुर से कांग्रेस के टिकट पर पर्चा दाखिल करके काजिम अली खान ने अपनी संपत्ति और कर्ज का खुलासा किया। काजिम अली खान उनकी पत्नी के ऊपर कुल 73,43,266 रुपए का कर्ज है ना चौंकाने वाली बात। 300 करोड़ की संपत्ति के मालिक पर 73 लाख रुपए का कर्ज भी है। उनके ऊपर ये कर्ज किस लिए है उन्होंने ये भी बताया। उन्होंने बताया कि उन्होंने लोन लेकर गाड़ी और घर खरीदा है। अब जब उनसे सवाल किया गया कि करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद लोन क्यों लिया, इस सवाल के जवाब में काजिम अली खान ने कहा है कि उनकी ज्यादातर संपत्ति विरासती है और हाल ही में उसका बंटवारा तो हो गया है, लेकिन कब्जा पूरी तरह से नहीं मिला। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।